और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, लखनऊ से खबर जहां पर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिरों का कायाकल्प शुरू, वृंदावन सहित व्रज के तीर्थ स्थलों को आकर्षक बनाने पर जोर, योजना को 40 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य, पुनर्निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन, पूर्व आईपीएस अफसर शैलजाकांत मिश्रा हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष, अनहोनी या दुर्घटना के लिए केंद्र सरकार की दीर्घकालीन योजना, योजना के तहत जमुना नदी पर एक लंबा पुल बनाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलाहकार संपादक केबक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबक जी, क्या कुछ जानकारी है, जिस तरीके से काशी का जीर्णोद्धार एक तरीके से कह सकते हैं किया गया है, उसको और बेहतर बनाया गया, अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। देखिए, ये जो मोदी सरकार है, हिंदुस्तान की मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, कुल मिला के हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही जी। और ये किसी चीज से हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और इसी तर्ज पे चल रहे हैं। और जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण की योजना सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसने विवादों के घेरे में रहा, लेकिन कई दशकों बाद जो है भाजपा सरकार राम मंदिर बनाने के लिए संकल्प थी और एजेंडे में था, उन्होंने राम मंदिर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी और प्रक्रिया शुरू हो गई, राम मंदिर बन रहा है। उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में भी काशी कॉरिडोर बना सके, उसका भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक उसी की तर्ज पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक योजना बनाई गई है कि इसको वृंदावन मथुरा वृंदावन का कृष्ण मंदिर है, राधे बिहारी मंदिर है, बिहारी मंदिर है, इन मंदिरों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। और ये 40 वर्षीय योजना है। आपको स्मरण है कि आपको ज्ञात है ऐसी कि जिस प्रकार से एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को अयोध्या में राम ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, जिस निर्माण जो समिति बनी उसके अध्यक्ष है नितिन मिश्रा, ठीक उसी तर्ज पर मथुरा में भी जो राम कृष्ण भूमि है और राम जितने मंदिर है मथुरा वृंदावन में, उन मंदिर को जीर्णोद्धार किया जाए, उसके अध्यक्ष का ट्रस्ट एक आईपीएस अफसर शैलजाकांत मिश्रा को बनाया गया है। ये योजना 40 वर्षों की है और आपने अभी हाल में ही देखा होगा कि जिसमें जन्माष्टमी जो उस दिन सैकड़ों लोग घायल हो गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। तो इन सभी मुद्दों को नजर रखते हुए दोनों सरकारों ने मिलकर जो डब्ल्यूजी की सरकार होती है तय किया है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, तो इसके लिए उन्होंने एक 40 वर्षीय योजना बनाई है जिसमें जमुना के नदी के पुल पर एक बड़ा जमुना नदी पर एक बड़ा पुल बनाया जाता है जिससे आवागमन बाधित हो और ऐसा जन्माष्टमी या मंदिर के दर्शन में कोई असुविधा ना हो, कोई दुर्घटना और अनहोनी घटना न हो, इसके लिए भी एक पुल बनाया जा रहा है। 40 वर्षीय योजना है, इसमें जो पैसा लगेगा इसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का अंश होगा। बिल्कुल बिल्कुल के भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिरों का कायाकल्प शुरू कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। और